तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं बिलासपुर आया हूँ और आज मैं आया हूँ एक ऐसी जगह पे जिसको सांडू का ग्राउंड बोलते हैं। यहाँ पे मंदिर हैं, कई काफ़ी पुराने मंदिर हैं, कोई कहता है महाभारत काल के हैं, अलग अलग स्टोरी है। तो आपको मंदिर दिखाता हूँ और लोकेशन दिखाता हूँ, तो अगर व्यू दिखाता हूँ। ये है साइड का व्यू, गोविंद सागर लेक का। तो आपको साइड का व्यू दिखा दिया, आप चलते हैं मंदिर की तरफ। तो गाइस, ये है रंगानाथा टेम्पल्स जो कि बिलासपुर में है। तो चलते हैं, जानते हैं इन मंदिरों के बारे में। तो गाइस, ये मंदिर है, तो पहुंच गया मंदिर के पास। अब चलते हैं, थोड़ा सा मंदिर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया हूँ, अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ आपको। गाइज, ये जो साइड देखिए पूरा गिर चुका है, शायद यहाँ पे भी मंदिर होगा, तो सारा टूट चुका है। दूसरे मंदिरों में चलते हैं अंदर। और ये बार अब मंदिर जो पूरा दब चुका है मिट्टी में, गेट देखिए, गेट सिर्फ इसका इतना सा ही बचा है। और जो इस पे डिजाइन किया गया है वो देखिए गाइस, कितना प्यारा किया है। और दोस्तों, आप अनुमान लगा सकते हो, ये देख सकते हो कि इस मंदिर का जो गेट है, जो पूरा जो है वो मिट्टी से पूरा भर गया है। जब डैम का पानी आता है तो अपने साथ वो मिट्टी और मिट्टी वगैरह साथ में ले आता है, और वो जमा होती होती पूरा ये मंदिर जो है, इसका पूरा गेट जो है वो मिट्टी से पूरा भर चुका है। अब चलते हैं दूसरी साइड। तो हम लोग आ गए
इस मंदिर के अंदर ऊपर गेट देखिए, इसका पूरा गिर चुका है। और जब यहाँ पे पानी आता है तो पानी अपने साथ जो मिट्टी वगैरह साथ में ले आता है वो पूरी यहाँ पे जमा है, देख सकते हो, बिल्कुल सामने दिख रहा है। और लोगों ने यहाँ पे बियर वगैरह भी पी है। और ऊपर से ये व्यू देखिए इस मंदिर का, उसका ये गुंबद सा जो बनाया गया है, पत्थर यूज किए गए यहाँ पे। ये देखिए डिजाइन पत्थर किस तरह से सेट किए गए यहाँ पे। और यहाँ पे जो डिजाइन बनाए गए हैं भगवान की, ये गणेश की है, ये भोलेनाथ की है, बाकी कुछ समझ नहीं आ रही है। कितना बारीकी काम किया गया किया लोगों ने हाथों से। और इन खंभों पे भी देख सकते हो। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये साल में सिर्फ 2 या 3 महीने आप आ सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बाकी मंथ में यहाँ पे पानी होता है पूरा, ये पानी के अंदर पूरा ये पानी के अंदर ही होते हैं पूरे मंदिर। पानी का लेवल आपको दिख रहा होगा ऊपर तक जाता है, वहाँ पे किश्ती वगैरह वहीं पे लोगों की खड़ी हैं, तो इस टाइम लेवल बिल्कुल कम है। तो इस टाइम हम लोगों को, मैंने आपको दिखा दिए। और सबसे बड़ी बात गाइस ये है कि इन मंदिरों का पता नहीं है कि किसने बनवाए हैं, और एक एस्टिमेट लगाते हैं कि ये महाभारत रामायण काल के हैं ये, और ऐसा भी कहा जाता है कि पांडवों ने बनवाए थे, कई जगह ऐसी भी सुनने को मिलता है। और लोकेशन आपको मैं लोकेशन दिखाता हूँ, पहले साइड का व्यू दिखाता हूँ, कितना प्यारा व्यू है। तो गाइस मैंने आपको इस साइड तो मैंने आपको दिखा दिया, अब चलेंगे ये जो आपको मंदिर दिखाए। तो गाइस मैंने इस साइड तो आपको दिखा दिए जो कि मंदिर अभी पानी से बाहर हैं। तो अब मैं चलूँगा यहाँ से 2-3 किलोमीटर पीछे जाऊँगा, वहाँ पे मैं गया था पहले, तो वहाँ पे मुझे कुछ मंदिर अभी भी पानी के अंदर दिखे, तो उस साइड चलते हैं और वहाँ पे हम बोटिंग भी करेंगे, बोट में जाएंगे और वहाँ पे बोट में जाके फिर मैं आपको पानी के बीच में एक मंदिर मुझे लगा था वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलते हैं फिर वहाँ पे आपको दिखाता हूँ मंदिर, फिर थोड़ी सी बात करते हैं फिर उसके साथ में ही इस जगह के बारे में। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे और कश्ती पे आ गया हूँ, मैं इस किश्ती पे आ गया हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मंदिर है एक, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखते हैं ये मंदिर आपको पूरा सामने दिख रहा है, पानी के अंदर है पूरा, ये पानी के अंदर इस टाइम है। तो यहाँ पे आप देख पता लगा सकते हैं कि कितना डीप यहाँ पे डीप जगह है। भाई थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस जगह के बारे में। तो दोस्तों जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस टाइम, ऐसा कहा जाता है कि ये जगह जो थी जहाँ पे इस टाइम मैं खड़ा हूँ, ये यहाँ पे पुराना ओल्ड बिलासपुर शहर बसता था। और जब भाखड़ा बांध का काम शुरू होना था, जो कि 1955 में भाखड़ा डैम का काम शुरू हुआ था और 1962 में डैम का काम पूरा हुआ। और डैम की थोड़ी सी हम बात कर लें तो भाखड़ा डैम लगभग 226 मीटर की हाइट पे बना एक हाई ग्रेविटी डैम है, जिसकी वजह से इस डैम के बनने की वजह से जो भी
पुराना बिलासपुर शहर था और उसके आसपास की लगभग 30 एकड़ भूमि डैम के पानी की चपेट में आ गई थी। सतारहवीं शताब्दी में बना पुराना ओल्ड शहर पूरा डैम के पानी की चपेट में आ गया था। बिलासपुर शहर के साथ साथ कहते हैं 14 गांव भी डैम के पानी की चपेट में आ गए थे। डैम की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान बिलासपुर के लगभग 28 छोटे और बड़े मंदिरों को हुआ था। ये जो मंदिर थे जिनमें ज़्यादातर मंदिरों का निर्माण शास्त्रीय नगर शैली में किया गया था। शास्त्रीय नगर शैली की हम बात करें तो शास्त्रीय नगर शैली उत्तर भारत की एक लोकप्रिय शैली हुआ करती थी। और ये शैली दोस्तों अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में ज़्यादा डीप जाने की कोशिश करें तो इस शैली का ज़्यादातर हमें उल्लेख मिलता है 5वीं और 6वीं शताब्दी में। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद ये मंदिर भी उसी टाइम के बने हों। और शास्त्रीय नगर शैली की हम बात करें तो शास्त्रीय नगर शैली के मंदिर आज भी भारत में कई जगह देखने को मिलते हैं, जैसे सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर, मेढेरा मंदिर इत्यादि। और गाइस इन मंदिरों की अगर हम बात करें तो कोई पक्का इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये मंदिर किसने बनाए, कब बनाए, ये थोड़ा सा इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी माना जाता है कि ये मंदिर भगवान शिव और पार्वती को समर्पित थे। एक मान्यता ये भी है कि जब भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता था और वो जल जब सतलुज नदी में मिलता था तो उस टाइम बारिश हुआ करती थी, ऐसा लोकल लोगों का मानना है। और दोस्तों यहाँ पे हर साल लोकल लोग मेला भी लगाते हैं। और थोड़ी सी दोस्तों बिलासपुर शहर की हम बात करें तो थोड़ा सा बिलासपुर शहर की भी हम बात कर लेते हैं। बिलासपुर शहर की स्थापना 1663 में हुई थी और बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर था। इस वीडियो में इतना ही था, तो आई होप ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अगले वीडियो में नए लोकेशन पे। तो बाय बाय।